नमस्कार दोस्तों, अगले दिन की सुबह होटल से चेकआउट करते हुए अब जा रहे हैं ताज और लाल किला का समय। होटल से हम आ गए हैं और अब लाल किला जा रहे हैं एयरपोर्ट को देखने के लिए। इसके बाद हम जाएंगे आप ताजमहल। ऑनलाइन टिकट बुक कर ली है और अब चलते हैं अंदर। अंदर दिखाते हैं फिर आपको। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हो इसको बोलते हैं दीवाने आम। यहाँ पे जो है ये सांझा ने बनवाया था और इसमें आम जनता यहाँ बैठती थी और राजा जो थे वो सामने, उधर हम जाएंगे तो वो अपनी जनता की जो भी समस्याएं होती थी वो यहाँ पे सुनते थे। सब लोग यहाँ बैठते थे, जो आम आदमी होते थे यहाँ होते थे और जो राजा के जो मंत्रीगण और जो गणमान्य व्यक्ति होते थे वो ऊपर बैठे होते थे। और राजा उस जो ऊपर आप देख रहे हो सिंहासन, गेट बंद है, वहाँ के जो है सब की समस्याओं को सुनते थे। आओ दिखाते हैं। ये राजा का दरवाजा था। तो राजा यहाँ से जो है जनता की आवाज़ सुनते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे। इसे बोलते हैं अंगूरी बाग। शाहजहां ने इसको बनवाया था अंगूरी बाग के नाम से। इसको आराम बाग के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है ना शाहजहां ने जो है अपने आराम प्रस्ती के लिए बनाया हुआ था, जो तीन तलों में बना हुआ है। देखो एक ऊपर है, एक ये है और ये तीसरा ये है। और ये नेचुरल एसी, जैसे उस जमाने में तो एसी थे नहीं, बिजली भी नहीं थी, तो ये कितनी ठंडी हवा देते थे ये यहाँ पे। अब भी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो मतलब मैं सारा दिन यहाँ बैठ सकता हूँ, इतनी अच्छी हवा आ रही है यहाँ पे ठंडी, जबकि कितनी गर्मी है। तो बिल्कुल भाई यह तो कमाल था इनका, ये है ना बड़ी अच्छी हवा। देखो ये ताजमहल का दृश्य दिखाया, कितना शानदार है। यमुना के किनारे ठंडी हवा के बिल्कुल जम से। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, वो यमुना के ऊपर जो पुल बना हुआ है, जब हम उस पुल से क्रॉस करते हैं तो ऐसा लगता है यार कि यमुना तो मतलब आई नहीं है, ताजमहल है कहाँ पे यमुना के, जब तो यमुना के किनारे बसा हुआ है। और जब हम इसको क्रॉस करते हैं, जब सॉरी वहाँ पे जाते हैं ना ताजमहल पे, तो ताजमहल में जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने यमुना को तो क्रॉस ही नहीं किया, यमुना है किस है ना। ये जहांगीर ने बनाया था न्याय की जंजीर के नाम से। इसमें 62 घंटियां लगी हुई है
और न्याय की जंजीर उसने ये बनाई थी 1605 में, इसलिए बनाई थी कि लोगों को न्याय मिले और उनकी आवाज़ जो है मेरे कानों तक पहुँचे। तो क्या कर रखा था कि उस जंजीर को आप खींचोगे तो जंजीर को खींचने के बाद उसकी घंटियों की आवाज़ मेरे कानों तक जाएगी, तो मुझे पता लगेगा कि लोगों को न्याय की ज़रूरत है। तो इसलिए ये जहांगीर की जो है न्याय की जंजीर की जो 1605 ईस्वी में नया कानून वो लाया है, तो इसकी घंटियाँ लाने के बाद 60 घंटियाँ हैं जो थी इसमें बांधी हुई थी, जिनका सब 60 घंटियों का जो वजन था वो 1 क्विंटल था। तो उन घंटियों को बजाते थे, अब घंटियाँ तो नहीं हैं लेकिन उनको बजाने से जो है राजा के कानों तक उनकी आवाज़ आती थी और उनको पता लगता था कि मेरी जनता परेशान है, उनको न्याय की जरूरत है। ये उस जमाने के फुहारे होते थे, यहाँ से पानी गिरता था और पानी गिरने से ये पानी फिर यहाँ से बाहर जाता था, इससे नेचुरल जो फाउंटेन उस जमाने में ये। और सामने से जो फुहारा मैंने अभी दिखाया आपको, वो सामने से फुहारे वहाँ से पानी गिरता था और ये फाउंटेन था और ये फाउंटेन यहाँ पे चलता था देखो, बिना बिजली के, बिना उसके। और जो बिल्डिंग आप देख रहे हो इसमें देखो, ये कितने इसमें, ये देखो इनमें ये निशान आप आज भी देख सकते हो, इनमें बहुत कीमती हीरे जवाहरात नगीने लगे हुए थे जिसको जो है ये लूट के हमारे देश से ले गए। ये देखिए ये पूरे इसमें लगे हुए थे, तो कितने प्यारे लगते होंगे उस ज़माने में ये, और कितने कीमती थे, लेकिन ये सब लूट सूट के ले गए। इसको बोलते हैं मीना मस्जिद, ये मीना मस्जिद के नाम से थी। इसके 3 मेहराब हैं देखो, 1, 2, 3, और ये सांझ आने जो थी वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाई हुई थी। ये सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए सांझ आने बनाई हुई थी, जिसके 3 मेहराब हैं। ये मीना मस्जिद है, ज़रा दिखाओ इसका व्यू दिखाओ। मोहब्बत की निशानी ताजमहल में हम पहुंच चुके हैं अंदर। हम जो है इसमें आजकल 2 तरह के टिकट हो गए हैं, एक तो 50 रुपये का टिकट है, 50 रुपये के टिकट में आप इस मकबरे के ऊपर नहीं आ सकते, सिर्फ नीचे नीचे से ही आप इसको देख सकते हो, और 250 रुपये में आप यहाँ पे आ जाओगे अंदर भी, जो कब्र है उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं और ऊपर घूम सकते हैं, वो 250 रुपये का टिकट है। लेकिन एक अच्छी बात ये होगी आजकल की, अब शूज़ आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है इसमें, शूज़ में कवर लगा लो या ऊपर आ जाओ या फिर जूते खोल लो, तो गर्मी बहुत होती है ऊपर, ये अच्छा है ऑप्शन। और ये यमुना का नज़ारा, अभी तो पानी कम है, गर्मी बहुत है, लेकिन ट्रिप अच्छा रहा। अब वापस दिल्ली के लिए अभी चलेंगे। अब धन्यवाद, ओके, गुड बाय।